अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज से जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं विंडोज़ एप्लीकेशन का ना, सी शार्प के साथ। जो अब तक जो हमने किया वो था कंसोल का, अब जो शुरू हो रहा है वो विंडोज़ का शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके जब आपका स्टार्टअप पेज है, न्यू में जाओगे आप, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए विंडो की थोड़ी सी जो विंडो कोडिंग है उसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने चेंज करनी है। यहाँ से सी शार्प, यहाँ से आप विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। विंडोज़ को ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद बस ये विंडोज़ फॉर्म आपका सेलेक्ट होना चाहिए, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ये जो पहला हुआ पड़ा है। यहाँ पर आप, मैं आपको यहाँ पर एक रिव्यू के नाम से एक बना लेते हैं, रिव्यू सी शार्प विंडोज़, ठीक है। अब इसका जो फोल्डर बनेगा वो सी ड्राइव में जाकर डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 10 प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में जाके इसका जो है वो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो तैयार होगा उसका प्रोजेक्ट। अच्छा, ये हैश का सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसको सी शार्प कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, अब ये सेटअप आ जाएगा आपके सामने। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बताता रहूँगा कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए कहाँ इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स विंडोज़ कहलाती है। इसके अंदर आपको सारे टूल्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा जी, लिस्ट व्यू, कम्बो बॉक्स, डेट टाइम पैनल्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे। ट्रैक बार्स, वर्चुअल स्क्रोल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाएंगी। ये हो गया आपका टूल बॉक्स। इसमें आपने मोस्टली ये ऑल विंडोज़ वाला ऑप्शन आपने ओपन करना होता है, और भी ऑप्शन है, कॉमन कंट्रोल भी आप ओपन कर सकते हैं, कंटेनर्स हैं, फिर मेन्यू स्ट्रिप्स हैं, मेन्यू एंड टूल्स हैं, प्रिंटिंग के कुछ हैं, वो डायलॉग बॉक्सेस हैं, ये जो कलर बॉक्स और फॉन्ट बॉक्स वगैरह आपके सामने ऊपर, इंशाल्लाह साथ साथ जब हम इसके काम करेंगे ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको इसका रिव्यू करवाना है, सिर्फ थोड़ा सा मज़ीद भी आप इसके अंदर ख़ुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ से चूज़ आइटम का या ऐड टैब का, आप अपना भी एक टैब इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। विजुअल बेसिक के पावर पैक में लाइन है, ओवल शेप वगैरह है, सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोर विंडो, इसके अंदर वो चीज़ें आएंगी जो आप इसके अंदर मज़ीद पेज ऐड करोगे, आप दूसरा फॉर्म ऐड करोगे या कोई क्लास ऐड करोगे, उसकी यहाँ लिस्ट बनती रहेगी। वो ऐड करने का तरीका, आप यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड में जाके कोई भी चीज़, विंडो फॉर्म ऐड करना है, क्लास ऐड करनी है, उसकी लिस्ट एक, उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनता रहेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। फॉर्म्स, फिर ये प्रॉपर्टी विंडो है, ये प्रॉपर्टी विंडो, फॉर्म के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई भी चीज़ आपने चेक चेंज करनी है, वो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें प्रॉपर्टी फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी जो पहचान ही होती है वो ये होती है कि जब आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी अगर बोल्ड हुई पड़ी है, जैसे ये फॉर्म का नाम, ये एडिटेबल, आप इसको एडिट कर सकते हो, और जो प्रॉपर्टी इसके अलावा बोल्ड हुई पड़ी होगी, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी चेंज की है यूज़र ने, जैसे अब ये ग्रो ओनली है, अब मैं इसको अगर चेंज करूँगा ग्रो एंड श्रिंक, तो आप ये देखोगे थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगी। अब ये एक पहचान है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको बोल्ड लिखी हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब वो चेंज हुई पड़ी है, क्योंकि अब इसमें काम ज़्यादा होगा, इसलिए अब आपको सारी प्रॉपर्टीज़ साथ साथ वक्तन फवक्तन बताता रहूँगा, लेकिन आपको एक पहचान ही बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी बोल्ड हुई पड़ी है, इसका मतलब वो यूज़र ने एडिट कर रखी है और यूज़र ने उसको चेंज किया हुआ है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा इवेंट्स। अब ये हर टूल के अपने इवेंट्स होंगे। अब ये इस वक्त फॉर्म के इवेंट है, जो चीज़ आप सेलेक्ट करोगे उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, जैसे फॉर्म वन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्म वन लिखा आ रहा है। उसका कोई भी टूल जो है आप, सॉरी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करोगे, अगर डिफ़ॉल्ट जिस प्रॉपर्टी पर जाएगा, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट एक हुई पड़ी होगी इवेंट इसका, ये आपको अगर इसमें नहीं समझ आया, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करो, उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट इवेंट के ऊपर, लोड इवेंट होते हैं जिसका डिफ़ॉल्ट, यानी कि लोड, जैसे आपका फॉर्म चलेगा, आप अगर प्रोजेक्ट को रन करोगे तो उस वक्त जो भी काम हुआ पड़ेगा फॉर्म के अंदर, लोड प्रॉपर्टी, जो जैसे फॉर्म लोड होगा वो प्रॉपर्टीज वो अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है।
अच्छा जी, इसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे, आपने सपोज बटन लिया, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बटन को सिलेक्ट किया, तो ये बटन की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी फिर, ठीक है। नाम भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इवेंट्स भी फॉर्म के अपने होंगे। अभी देखो डिफ़ॉल्ट आया हुआ है क्लिक के ऊपर, मैंने सिर्फ इवेंट को चेंज किया है, प्रॉपर्टीज से इवेंट पे आया हूँ, वो खुद वो क्लिक को हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब क्लिक जो है इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो है सर्वर का जो एक टैब है, ये आपका डेटाबेस बनाने के लिए होता है। जब आप डेटाबेस बनाओगे, इसमें डेटाबेस के साथ आप जब कनेक्ट करोगे तो उसकी डेटाबेस का रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम जब काम किया था उसमें मैंने कुछ एग्जांपल डेटाबेस बना रखे हैं, DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मुख्तलिफ इसमें मैंने डेटाबेस बना रखी हैं, इसमें आप देखोगे तो एक्सपेंड करोगे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, हाँ जी, ये टेबल्स यहाँ पर बनती रहती हैं, व्यूज़ बनते रहते हैं, जो भी चीज़ आपने बनानी है, सिनोनिम्स हैं, फंक्शंस हैं। अब इसमें फिलहाल कोई टेबल मौजूद नहीं है, देखते हैं अगर किसी के अंदर मौजूद होगी तो उसको आप खुद दो ओपन करके दिखा देते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मौजूद होगी टेबल तो उसको देख लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर एक लॉग इन की टेबल मौजूद है, टेबल की प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आप ओपन टेबल डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर आपको ये दो तीन चीज़ें, इसका कॉलम का नेम, कॉलम का टाइप, अलाउ नल वगैरह, ये चीज़ें मिल जाए, ये इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे फिर। अच्छा, फ़िलहाल हम आ जाते हैं ये, अब जैसे आपने दो बटन ले लिए, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो विद प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे आपने बार बार इसको वो करना होता है, इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी होती है, आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए, ये प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ये जैसे अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, ठीक है, टॉप की अलाइनमेंट है, फिर ये सेम विड्थ सेम हाइट की आप कर सकते हैं, सेम साइज, इसका बटन का साइज़ आपसे सेम, हॉरिजॉन्टल फासला इक्वल, इनका स्पेस इक्वल कर सकते हैं, वर्टिकल स्पेस इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं इसके अंदर। अब कोई प्रॉपर्टी जैसे आपसे मिसाल के तौर पर यहाँ से क्रॉस हो जाती है, अब आपको मिल नहीं रही, ठीक है, तो आप उसको यहाँ व्यू में जाकर प्रॉपर्टी विंडो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी। बार बार आपसे यूँ हो जाता है ये, इसको यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसको डॉक कर देंगे, डॉक, ठीक है, डॉक करेंगे, दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे चला जाएगा। जितना मर्जी इसको व्यू करना चाहते हैं आप, इसको कम ज़्यादा करके साइज को देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी विंडो आपने देखनी है वो आपको यहाँ से व्यू से मिल जाएगी। सॉल्यूशन एक्सप्लोर ठहरा हुआ है, टीम है, सर्वर है, बुक मार्क है, क्लास व्यू है, ऑब्जेक्ट है, आउटपुट एरर लिस्ट है, ठीक है, स्टार्टअप पेज है, काफ़ी सारी अदर टूल, अदर विंडोज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और इसमें रन करने का ऑप्शन ये है, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, F5 के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो आपका ये इस तरह का व्यू नज़र आ जाएगा आपको, जो चीज़ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी मैंने कोई काम किया नहीं, इसलिए मेरे पास सिर्फ जो है वो फॉर्म नज़र आ रहा है, फॉर्म के ऊपर मैंने अभी काम किया हुआ है। ये है जी इसका रिव्यू, इंशाल्लाह साथ साथ हम इसको करते रहेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे साथ साथ आपको बताते रहेंगे, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।